Hello, Assalamualaikum guys. How are you? I hope all of you are fine. So today's topic is role of insects in ecosystem. So insects in ecosystem. Insects in ecosystem. Insects are the major part of the ecosystem as a group. Second point, usually insects contribute up to 87% of species diversity of a given ecosystem. These are the types of the insects. ये अदर एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, कुछ ये एर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ ये इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया, इनके बारे में बताया गया है, इंसेक्ट्स के नाम बताए गए हैं, ये आप स्टडी कर लें. तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंसेक्ट्स इन इकोसिस्टम. ये इंसेक्ट्स सारे शो करवाए गए हैं यहाँ पर. ये फ्लाइज हैं, आर्ट्स हैं, ये सारे हर तरह के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये वो जो इंसेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं उनके बारे में, सारों के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया. जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर. तो ये उसी के बारे में हम पॉइंट्स, उसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं. इन द वर्ल्ड सम 900,000 डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग इंसेक्ट्स आर नोन. जो हमारी दुनिया है उसके 900,000 से ज़्यादा किस्में हैं इंसेक्ट्स की. यहाँ पर तो कुछ बताई गई है ना, यहाँ पर तो कुछ हमने बताई हैं, लेकिन 9,000 से ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हैं. अप्रॉक्सीमेटली सेकंड पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स. अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं. 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ बीटल्स ओनली. जो बीटल्स होते हैं ना, उन्हीं की 1.5 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. और 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स की. 1 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज नेम्ड इंसेक्ट स्पीशीज हैं 1 मिलियन. इट आल्सो मेक दिस ग्रुप द लीस्ट स्टडी. ये सारे मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम लीस्ट स्टडी करते हैं. इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस. बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स. अच्छा, जैसे इसे हम अपनी लैंग्वेज में भूंड कहते हैं, इधर लोकस्ट कहते हैं. अच्छा, इधर अलग अलग ये सारे नेम्स शो हैं कि कौन कौन से बर्ड्स हैं ये हार्मफुल बर्ड्स हैं और ये जो बर्ड्स हैं ये बेनिफिशियल बर्ड्स हैं. जैसे लेडी बग हो गया, बम्बलबी हो गई, कैक्टस मॉथ हो गया, फ्लाई वेस्ट हो गया, हनी बी हो गई, और भी काफ़ी इंसेक्ट्स हैं. प्रेइंग मेंटिस हो गया, ड्रैगन फ्लाई है, ये सारे जो हैं ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं. सो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. इंसेक्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. इंसेक्ट्स जो हैं वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है इकोसिस्टम का. बिल्कुल, वो ह्यूमन डिसाइड्स द स्टेटस ऑफ द इंसेक्ट्स, इधर दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन और हार्मफुल. ये हम इंसानों ने डिसाइड किया है कि कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हार्मफुल हैं. थर्ड, इंसेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इंसेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन द इकोसिस्टम. उनके रोल के मुताबिक जो कि वो इकोसिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं. फर्स्ट है हार्मफुल इंसेक्ट, सेकंड है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. ये वो आगे हमने वो पढ़ लिया, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं. तो ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं. अच्छा, हार्मफुल इंसेक्ट्स जिसे पेस्ट्स भी कहा जाता है. एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज डिटरमिनेंटल टू ह्यूमंस, डिस्ट्रॉय क्रॉप स्ट्रक्चर्स, लाइफ स्टॉक हेल्थ, जो के यानी क्रॉप को ख़राब करते हैं, स्ट्रक्चर्स क्रॉप किसी प्लांट का स्ट्रक्चर ख़राब करते हैं, लाइफ स्टॉक हेल्थ ख़राब करते हैं. फिर थर्ड, रिड्यूस एस्थेटिक एंड और रिक्रिएशनल वैल्यू, जो कि एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू जो है वो भी कम कर देते हैं प्लांट्स की और जिस चीज़ के ऊपर भी वो बैठते हैं. एनी ऑर्गेनिज्म दैट कम्पीट विथ ह्यूमन फॉर फूड स्पेस एंड शेल्टर इज़ नॉन एज पेस्ट. जो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंसान की तरह खाना, जगह रहने की जगह और शेल्टर तलाश करता है वो पेस्ट कहलाता है. पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स हैं. पेस्ट के अंदर कौन सा आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स, प्लांट्स हैं, वीड्स, रोडेंट्स हैं, एनिमल हैं, मैमल्स, फिश, बर्ड्स, माइट्स हैं, मोलस्क्स हैं. ये इधर कुछ बैट और कुछ ये पिजन है, ये रैट है, ये कुछ वो एनिमल्स भी दिखाए, वो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए जो कि इंसानी उसमें रहते हैं.
और ये पेस्ट कहलाते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। देर आर इंसेक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन सच एज डिकम्पोजर्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, फूड सोर्स, डिस्पर्सल एजेंट्स, पोलिनेटर्स, रिसर्च, पोल्यूशन इंडिकेटर्स, इंसेक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये दिखाए गए हैं। ये अलग अलग वो क्या कहते हैं इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि बेनिफिशियल बेनिफिशरी हैं, जैसे बी है, ये शहद बनाती है हमारे लिए, और भी लेडी बग है, ये भी अलग अलग इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा। डिकम्पोजर इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स हैं जो डिकम्पोज यानी कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है उसे खाते हैं। जैसे अगर हमारे कोई फ्रूट्स ख़राब हो जाएँ वो हम फेंक देंगे गल सड़ जाएँ तो ये लोग वो खाते हैं, या जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो कि ख़राब, जैसे इंसानी जिस्म का ही हिस्सा ले लें वो भी अगर ख़राब गल सड़ गया तो उसके ऊपर भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये वो वाले इंसेक्ट्स हैं जो कि डिकम्पोज चीज़ों को खाते हैं। तो बाय रिसाइकलिंग ऑफ डंग, डेड फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल ट्रंक्स ऑफ फॉलेज और कारकेस ऑफ डेड एनिमल्स, बरिंग बीटल्स। अच्छा ये वही बता रहा है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका वो गोश्त खा लेते हैं वो, और ऐसी काफ़ी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे उसमें क्या कहते हैं जो कि डेड या डिकम्पोज होती हैं वो चीज़ें खाते हैं ये। और इसके बाद सेकंड है इंसेक्ट स्टिमुलेट, इंसेक्ट स्टिमुलेट एंड एक्सेलरेट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय सच ऑर्गेनिज्म एज सॉइल माइट्स। ये बता रहे हैं इंसेक्ट स्टिमुलेट करते हैं और एक्सेलरेट ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के जो कि सॉइल में रहते हैं, सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उस पर स्टिमुलेट और एक्सेलरेट ब्रेकडाउन करते हैं। फंजाई एंड बैक्टीरिया इन्हेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी, फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का जो फैलाव है वो कम करते हैं, इंक्रीजिंग साइट यूटिलिटी और साइट यूटिलिटी बढ़ाते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं ब्रॉइंग इंसेक्ट्स मिक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो ब्रॉइंग इंसेक्ट्स हैं मिक्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो इंसेक्ट्स हैं ये सॉइल पोरोसिटी बढ़ाते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं सॉइल की। ये थर्ड आ गया हर्बीवोर इंसेक्ट्स। अच्छा अब इसके बाद ईटिंग प्लांट्स कैन कॉज सस्टेनेबल डैमेज ड्यूरिंग देयर आउटब्रेक्स। ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं और उन्हें सस्टेनेबल डैमेज देते हैं उन्हें खा के, क्योंकि लाजम प्लांट को आप वो थोड़ा सा भी उसका ये इंसेक्ट्स खाते हैं उसे तो वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है येट इट इज़ नोन दैट दिस फिनोमिनन कैन आल्सो बी यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ अनवांटेड प्लांटेशन। जो ये एक ऐसा तरीका है जिस जो कि अनवांटेड प्लांटेशन को कंट्रोल करने के भी काम आता है। दिस बिहेवियर क्रिएट्स प्लांट लीटर, ये बिहेवियर प्लांट क्रिएट करता है प्लांट लीटर को। थर्ड है न्यूट्रिएंट्स दैट लीच फ्रॉम दिस लीटर स्टिमुलेट टर्न ओवर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल एंड एनहांस इट्स हेल्थ। ये जो क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स दैट लीच फ्रॉम दिस लीटर स्टिमुलेट टर्न ओवर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा ये वो बता रहे हैं कि सॉइल और सॉइल की ये हेल्थ को बढ़ा देते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो ये वो इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ये आप लोग देख लें एक दफ़ा। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कार्निवोर्स इज एन ऑर्गेनिज्म हुज डाइट इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ मीट। ये कार्निवोर्स होते हैं जिनकी खुराक जो है वो प्राइमरी कंपोज ऑफ मीट, जो मुर्दा गोश्त होता है वो खाते हैं। एक्सेप्ट कार्निवोर्स इंक्लूड ड्रैगन फ्लाइज एंड डैम सेल्फ फ्लाइज लेडी बर्ड बीटल ग्रीन लेस विंग ईटीसी। सेकेंड ड्रैगन फ्लाइज एंड डैम सेल्फ फ्लाइज आर अगाइल फ्लाइज एंड हंट
and catch prey, usually other insects, in flight using their legs. Third, these insects are being used for the control of other insects' pests. This phenomenon is known as biological control. Acha, food source. Birds feed their chicks with insects, which constitute a significant and compulsory part of their protein type. जो birds हैं वो अपने क्या कहते हैं बच्चे जो होते हैं उन्हें insects खिलाते होते हैं, जिससे उनकी protein diet जो कि उनके diet में protein वो करता है, add करता है. Second, major freshwater fisheries, especially those of salmonids, are supported largely or entirely by aquatic insects. जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर जो फिशेज होती हैं वो भी इन्हीं इंसेक्ट्स को जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें खा के जिंदा रहती हैं. इंसेक्ट्स आर ऑल्सो बींग यूज एज ह्यूमन फूड सोर्स नोन एज एंटोमोफेगी. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज होते हैं ह्यूमन फूड के अंदर, जिसे एंटोमोफेगी कहा जाता है. इंसेक्ट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इंसेक्ट्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के, ईजी टू रेयर, लेस इनपुट नीडेड. ये आराम से मिल भी जाते हैं और इनके लिए कोई ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती. डिस्पर्सल एजेंट. मैनी इंसेक्ट्स एंड दे यंग फीड ऑन सीड्स. जो काफ़ी इंसेक्ट्स हैं और उनके बच्चे हैं जो कि सीड्स पर पलते हैं. दीज इंक्लूड बीटल्स. बीटल्स भी होते हैं, बग्स भी होते हैं, वेस्प भी होती हैं, आंट्स, थ्रिप्स एंड सम मोथ स्पीशीज. ये सारे जो इधर इमेजेस में दिखाई हुई हैं, ये आंट है और वो बग्स हैं, बीटल्स हैं, ये सारे जो हैं सीड्स पर सीड्स खाते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग सीड्स कैन बी डिस्पर्स बाय सिंपली नॉकिंग द सीड फ्रॉम द प्लांट टू द ग्राउंड और बाय बीइंग कैरिड ग्रेट डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लांट. नेक्स्ट, पोलिनेटर्स. मैनी प्लांट्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स एज पोलिनेटर्स ऑफ देयर फ्लावर्स एंड पोलिनेटर्स कैन बी अ लिमिटिंग रिसोर्स फॉर देम. क्रॉस पोलिनेशन, जैसे हम ये हनी की मिसाल लेते हैं, हम ये जो हनी बीज होती हैं ये हनी प्रोड्यूस करती हैं हमारे लिए, तो ये पोलिनेशन और काफ़ी ऐसे वो हैं इंसेक्ट्स हैं जो कि पोलिनेशन के थ्रू काफ़ी क्या कहते हैं न्यू वराइटीज प्लांट्स के हमें वो करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं. इन रिसर्च, इंसेक्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम, हाई फ्रीक्वेंसी, स्मॉल साइज. द कॉमन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर is a model organism for studies in the genetic of higher eukaryotes. Essential part of studies into principles like genetic linkage, interaction between genes, chromosomal genetics, development, behavior. Insects related products. Red dye. Female cochineal beetles eat red cactus berries, used to make the most common red dye. Shellac, this clear wood copper makes furniture shiny and dries into a protective sealant. Silk, honey, lac, cosmetics, flu vaccines. Okay, thank you so much. So our topic is ended. तो हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अगली वीडियो में अपने मिलते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा. थैंक यू सो मच. कल तक के लिए अल्लाह.